La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنه كتعلق. الله تعالى شأنه سے محبت. الله تعالى شأنه کی رضا. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالی شانہ سے تعلق نصیب ہو جائے. ہمیں اللہ تعالی شانہ سے محبت ہو جائے. اور یہ تعلق اور یہ محبت اس درجے کے ہو جائیں کہ ہمارا ہر عمل اور ہمارا ہر قول اللہ کی رضا کو لانے والا بنے. تو مقصد ہے رضا الہی. اور رضا الہی حاصل ہوتی ہے اعمال صالحہ سے، اقوال صالحہ سے. اور اعمال صالحہ اور اقوال صالحہ وجود میں تب آئیں گے جب ہمارے دل میں اللہ کے لیے محبت ہوگی، جب ہمیں اللہ سے صحیح تعلق ہوگا.
एक तो ताल्लुक मुझे आपसे है, रास्ते में मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, एक तो है ना कि ताल्लुक ही नहीं, आमने सामने हो गए, न हमने उनकी तरफ देखा न उन्होंने हमारी तरफ देखा, दूर से एक दूसरे को देख रहे थे, करीब आ गए तो नजरें दोनों ने हटा ली, न नफरत का ताल्लुक है न मोहब्बत का, ताल्लुक ही नहीं है, हम अपने रास्ते पे चले गए, अपने रास्ते पे चले गए, ये भी एक ताल्लुक, ये ताल्लुक ही नहीं है। और दूसरा ताल्लुक ये है कि हमारा और आपका है कि एक दूसरे को देखते हैं, पता है कि ये इस इलाके में रहते हैं, पता है कि मुसलमान हैं, अच्छे आदमी हैं, इनकी शादी हुई है शादी नहीं हुई है, बच्चे कितने हैं, कहां रहते हैं, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत खैरियत, गुजर गई। और एक ताल्लुक ये कि हम इनको जानते हैं, इनका आगे पीछे का सब कुछ जानते हैं, और हमें इन्हें इनसे आला दर्जे की मोहब्बत भी है, एक वो ताल्लुक और एक ये ताल्लुक। और इन दोनों ताल्लुकात के दरमियान और बहुत से दर्जे हैं, किसी से ऐसा ताल्लुक है कि वो बीमार हो गए तो कोई खास तकलीफ नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं, उनके यहां कोई हादसा पेश आ गया तो थोड़ा सा सदमा हुआ। और एक ताल्लुक ये है कि उनके यहां कोई हादसा पेश आया तो सदमे से हम निढाल हो गए, उनकी थोड़ी सी बीमारी की खबर मिलती है तो जब तक पता नहीं चलता कि है क्या, इत्मीनान नहीं होता। तो ताल्लुकात के बहुत सारे दरजात हैं। तो अल्लाह ताला शानुहु चूंकि हमारे खालिक हैं और हम उनकी मखलूक हैं, लिहाजा हर वो इंसान, मैं मोमिन नहीं कह रहा हूं, हर वो इंसान जिसका ये तसव्वुर है कि मुझे कोई पैदा करने वाला है, तो उसका अपने खालिक से किसी न किसी दर्जे में मोहब्बत का ताल्लुक तो होता है, लेकिन हर ताल्लुक और हर मोहब्बत जो है वो आमाले सालिहा पर ले आए और अकवाले सालिहा पर ले आए, ये जरूरी नहीं है। ताल्लुक है अल्लाह ताला शानहु से, मोहब्बत है अल्लाह ताला शानहु से, और ये ताल्लुक और ये मोहब्बत जो है वो जुमा की नमाज में आने पे मजबूर करता है, मगर ये मोहब्बत और ये ताल्लुक इतना कवि नहीं है कि पांच वक्त की नमाजों में ले आए। अल्लाह से ताल्लुक है, मोहब्बत है, तभी तो तरावी की नमाज पढ़ेंगे, लेकिन कम दर्जे का ताल्लुक है तो मालूम करते हैं कि शहर में 10 मस्जिदें हैं, उनमें से सबसे जल्दी तरावी कहां खत्म होती है, फास्ट कहां होती है, इससे भी कम दर्जे का ताल्लुक होता तो तरावी में भी ना आता, लेकिन चूंकि ताल्लुक है इसलिए जाता है, मगर मालूम करता है कि सबसे तेज कहां होती है और वहां जाके पढ़ लेता है। और आला दर्जे का ताल्लुक है तो ये मालूम करेगा कि इत्मीनान से तरावी कहां होती है, ताकि तरावी में किराज जो है वो सही भी हो और देर तक मैं मेरे अल्लाह के सामने खड़ा रह सकूं। वो ये भी मालूम करेगा कि किस मस्जिद में अल्लाह से मोहब्बत रखने वाला इमाम नमाज पढ़ा रहा है, बुजुर्ग है, कोई नेक साले आदमी है। वो ये भी देखेगा कि मेरे अल्लाह के कलाम को बहुत अच्छी आवाज से पढ़ने वाला किस मस्जिद में इमाम है।
तो हमें अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मनवालुहु से ताल्लुक है, हरेक को ताल्लुक है। गैर मुस्लिम भी जो अल्लाह को मानते हैं, चाहे वो अल्लाह को जो भी नाम दें, उनको भी अल्लाह से ताल्लुक होता है, उनको भी अल्लाह से मोहब्बत होती है। लेकिन वो मोहब्बत अपने हिसाब से होती है, और मोमिनिन को भी अल्लाह से मोहब्बत है, और मोमिनिन को अल्लाह ताला शानों से जो मोहब्बत है वो सच्ची मोहब्बत होती है, पक्की मोहब्बत होती है। लेकिन सिर्फ मोहब्बत का होना काफी नहीं, सिर्फ ताल्लुक का होना काफी नहीं, अल्लाह ताला शानहु की उतनी मोहब्बत चाहिए और अल्लाह ताला शानहु का उतना ताल्लुक होना चाहिए जो मोहब्बत और जो ताल्लुक अच्छे कामों पर लाए और बुरे कामों से बचाए। यानी जब भी कोई अच्छा काम करने का मौका आए तो उस काम की तरफ चला जाए। क्यों चला जाए? इससे कि दिल में ख्याल आता है कि ये काम मुझे करना चाहिए, इससे कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरा अल्लाह खुश होगा, इस दर्जे की मोहब्बत है। ये काम मुझे करना चाहिए इसलिए कि ये काम ऐसा है कि अगर मैं करूंगा तो अल्लाह खुश होगा, नहीं करूंगा तो अल्लाह नाराज होगा और मैं अल्लाह को नाराज नहीं कर सकता। इस काम को करने का बहुत शौक हो रहा है लेकिन नहीं 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 कर सकता। क्यों? इसलिए कि इस काम को करूंगा तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। इस दर्जे की मोहब्बत चाहिए। यानी दुनिया भर की जितनी चाहतें और जितनी ख्वाहिशात हैं उनकी मोहब्बत 49% होनी चाहिए और अल्लाह की मोहब्बत 51%। ये कम से कम दर्जे की मोहब्बत। तो वो जब भी दिल नाजायज चीज की तरफ जाएगा तो उसमें 49% की कुव्वत होगी और अल्लाह के हुक्म को बजा लाने की कुव्वत 51% होगी। तो ये तगो दो जब होगी, टगो वोर होगा, तो अल्लाह की मोहब्बत जीत जाएगी और ऐसा काम नहीं हो सकेगा जिससे अल्लाह नाराज होगा। इस कम से कम दर्जे की, और जितना इसका फिर रेशियो बढ़ता चला जाएगा, तनासुब बढ़ता चला जाएगा कि 40% और 60%। इधर भी पहलवान है, इधर भी पहलवान है, आप इस तरफ रस्से को खींच रहे हैं, आप इसकी इस तरफ रस्से को खींच रहे हैं, और ये दाईं तरफ वाला पहलवान जो है वो बाईं तरफ वाले पहलवान से ज्यादा ताकतवर है, मगर बाईं तरफ वाला भी पहलवान है। तो जीतेगा तो दाईं तरफ वाला, मगर ये बाईं तरफ वाला उसे जीतने देगा थकाकर? आसान नहीं होगा उसके लिए। तो जिसके दिल में 49% मोहब्बत है अल्लाह की, 51% और 49% मोहब्बत है दूसरी चाहतों की, तो एक कामयाब तो होगा मगर बहुत मुजाहदा करना पड़ेगा और खतरा रहेगा कि कहीं स्लिप ना हो जाए। और चूंकि ये रेशियो बहुत कम है इसलिए इसमें खतरा है कि 51% मोहब्बत जो हासिल हुई है और उसको बाकी रखने के लिए जितने काम कर रहा है रोजाना के, उनमें से किसी एक काम में भी गफलत हो गई तो कहीं 51% से ये 49 पर ना आ जाए और वो दूसरी 51% ना हो जाए। इसलिए फासला रखना चाहिए, फासला, अल्लाह की मोहब्बत को बढ़ाना चाहिए और बढ़ा करके अल्लाह की मोहब्बत 70% हो जाए और दूसरी चीजों की मोहब्बत 30%, अल्लाह की मोहब्बत 80% हो जाए, दूसरी चीजों की मोहब्बत 20%। तो अल्लाह की मोहब्बत 80% होगी और अल्लाह के अलावा की चीजें 20% होगी। तो बीबी अगर ऐसे काम के लिए कहेगी जिसमें अल्लाह की मोहब्बत और रिजा है तो फौरन तैयार हो जाएगा, और बीबी अगर ऐसी बात कहेगी जिसमें अल्लाह की नाराजगी है तो 20% कुव्वत उधर से, तो क्या रहने दे, ये काम हम नहीं कर सकते।
ये काम हम नहीं कर सकते, अल्लाह नाराज होता है इससे। वल्लदीन आमनु अशद्द हुब्बल लिल्लाह, मोमिनीन अल्लाह ताला शानहु से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं। क्यों? इसलिए कि वो जानते हैं कि अल्लाह ताला शानहु से बहुत ज्यादा मोहब्बत होगी तभी हम उन कामों को कर सकेंगे आसानी के साथ जिनसे अल्लाह राजी होता है, और उन कामों से बच सकेंगे जिनसे अल्लाह नाराज होता है। और अल्लाह की नाराजगी से बचना और अल्लाह को राजी करना, यही तो जिंदगी का मकसद है। तो फिर इसको जरा जहन नशीन कर लीजिए कि मकसद जिंदगी रिजाए इलाही है। ये बाकी जो कुछ नजर आता है, जो कुछ हम करते हैं, कोई खानका लेकर के बैठा हुआ है, उसमें रात दिन मेहनत कर रहा है, शेख है, शेख है वक्त, और पूरी दुनिया मशाइख से भरी पड़ी है। अल्लाह जल्ल जलालहु आम मनवालहु ऐसे मशाइख के कामिलीन और ऐसे मशाइख के हक्का के फ्यूज में और बरकत पैदा फरमाए, और अल्लाह ताला शानहु उनकी मेहनतों में और बरकत पैदा फरमाए और उनके फ्यूज को बहुत आम और ताम फरमाए। फिर जो तालिबीन उनके यहां खानकाहों में जाते हैं, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये इसलिए होता है कि लोगों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए, लोगों का अल्लाह से ताल्लुक जुड़ जाए। दिलों में मोहब्बत पैदा हो गई, अल्लाह का ताल्लुक जुड़ गया, तो गलत काम नहीं कर सकेगा, ठीक काम ही करेगा। एक उसूल है, कायदा है कि जब हमें किसी से मोहब्बत हो जाती है तो ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे उनको तकलीफ होती है। बीबी से मोहब्बत हो जाती है, मर्द जो है वो स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाला है, स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाला है मर्द, बावजाहत है, और हर शख्स जो है उसके सामने झुका हुआ नजर आता है। लेकिन उसको अगर बीवी से मोहब्बत होगी तो बीवी उसे झुका देगी। झुका देगी का मतलब यह कि बीवी अगर उससे कोई ऐसी चीज का मुतालबा करेगी जो उसकी मर्जी के खिलाफ होगा, फिर भी वो कर लेगा कि चलो भाई हमारी महबूबा है। औलाद में से किसी से बहुत मोहब्बत हो जाती है तो दूसरी औलाद भी क्या कहती है कि अब्बा से तुम कहो ना कि हम सफारी पार्क जाना चाहते हैं, उसको तू आगे जाए। इसलिए कि महबूब जब कोई बात कहता है तो मुहिब जो है, मुहिब मोहब्बत करने वाला, वो इनकार नहीं कर पाता। हाँ, उसूल जवाबित का मामला अलग है, कुछ हद होती है, कुछ हदें होती है। ऐसा तो नहीं ना कि बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत है और बीवी ये कहे कि तुम्हारे पास जो 1 करोड़ रुपये हैं वो जाकर के तुम समंदर में फेंकाओ। हुदूद होती है, और मोहब्बत अगर बहुत आला दर्जे की होगी तो ऐसा भी करेगा आदमी, बहुत आला दर्जे की मोहब्बत होगी तो ऐसा भी करेगा। वो कहेगा 1 करोड़ रुपये गया, जैसे हजरत साद इब्ने मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गज़वे बदर के मौके पर इरशाद अर्ज किया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अगर हमें हुक्म फरमाएं कि समंदर में गोते लगा दो, कूद पड़ो समंदर में, तो हम आपको पूछेंगे नहीं कि क्यों। हुक्म करना आपका काम है, करके दिखाना हमारा काम है। यानी अकल में न आने वाली बात भी आप फरमाएंगे तो हम कहेंगे कि हम आपके आशिक हैं। और आशिक ये सोचा नहीं करता कि मुझे क्या करने के लिए कहा जा रहा है, आशिक ये देखता है कि मुझे कौन करने के लिए कह रहा है। इसलिए हजरत सहाबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की गुफ्तगू अल्लाह जल्ल जलालहु व अमनवालहु के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैकड़ों सवाहात के अंदर मौजूद है, हदीसों में मौजूद है, तफसीरों में मौजूद है, और सीरत की किताबों में मौजूद है, और अहकाम से भरी हुई है कि ये करो, ये कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। किसी जगह पर आपको ये नहीं नजर आता कि किसी एक मौके पर किसी एक सहाबी ने ऐसा पूछा हो कि क्यों। इससे कि सारे के सारे उशाक थे, आशिक थे वो। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहिब दामत बरकातुहुम इरशाद फरमाते हैं
कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अली मजमईन को इस कदर मोहब्बत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अल्लाह ताला उनसे बिल फर्ज व तकदीर ये कहते कि तुम सारे के सारे अपनी जान कुर्बान कर दो, अगर तुम सारे के सारे अपनी जान कुर्बान कर दें तो मैं तुम्हारे नबी की जिंदगी में चंद सेकंडों का इजाफा कर दूंगा। उनकी जो 63 इयर्स है और जिस वक्त मौत वाके होने वाली है तो एक घंटे के बाद मौत दूंगा, आधे घंटे के बाद मौत दूंगा, 15 मिनट के बाद मौत दूंगा, चंद सेकंड के बाद मौत दूंगा। अबे चंद सेकंड में आदमी क्या कर सकता है? और 1,00,000 से ज्यादा सहाबे इकराम रिजवानुल्लाह ताला अली मजमईन और आगे क्या क्या किरदार उन्होंने अदा किए आप सब जानते हैं। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ये फरमाते हैं कि अगर उन लोगों से ये कहा जाता कि तुम सारे के सारे अपनी जान दे दो, मुझे इजाजत दे दो कि मैं तुम्हारी रूह इसी वक्त कब्ज कर लूं, तो उसके बदले में मैं तुम्हारे नबी की जिंदगी में चंद सेकंडों का इजाफा करूंगा। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकात तो मेरे साथ फरमाते हैं कि सहाबा को इतनी मोहब्बत थी कि सारे तैयार हो जाते। बस मेरे भाइयों, मेरी जो गुजारिश है वो इतनी ही है कि अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो, अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा। अल्लाह की मोहब्बत आ गई, आगे फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाने के बाद सिर्फ ये कहना पड़ेगा कि अल्लाह ये फरमा रहे हैं, अल्लाह ये फरमा रहे हैं, अल्लाह ये फरमा रहे हैं, अल्लाह ये फरमा रहे हैं। हमारे बुजुर्गों में से किसी बुजुर्ग का वाकया है कि एक नवाब साहिब थे, नाम इस वक्त जहूल हो रहा है, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह किसी का वाकया है। तो नवाब साहिब थे, नवाब साहिब की बेगम जो है वो हजरत फातिमतु जहरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के नाम का कोई फातिहा पढ़वाती थी, एक किस्म की रस्म थी, बिदत थी। और जो उलमाए हक्का होते हैं वो हक पर डट जाते हैं, लेकिन अगर मसलहत से काम निकल आता हो तो मसलहत को मद्देनजर रखते हुए कर लेना चाहिए, गुनाह से बच जावे ये असल चीज है, अल्लाह की नाफरमानी से बच जावे। तो उन्होंने इनको बुलाया और कहा कि हजरत फातिमा बीबी रजी अल्लाह तआला अन्हा की फातिहा की रस्म फुना तारीख को अदा की जाएगी और इस मरतबा आपको वो अदा करनी है, आप बहसियत आलिम के आकर के दुआ वगैरह करने का काम आपका है। तो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन हामी भर ली कि बहुत अच्छी बात है, बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला का फातिहा, और वो हम न करें, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी बेटी हामी भर ली और चले गए। वो कुछ दिनों के बाद उस रस्म और बिदात के मुकर्ररा दिन से पहले उन्होंने इजाजत तलब की कि मैं बेगम साहिबा से कुछ बात करना चाहता हूं रस्म के बारे में। तो बहुत अच्छी बात है, मुलाकात हुई, जाहिर है कि पर्दे के अहतमाम के साथ हुई होगी। तो क्या कि बीबी फातिमा की जो फातिहा खानी है वो तो हम सबके लिए सआदत है, हमारे पैगंबर की बेटी है, लेकिन मैं कुछ दिनों से बहुत गौर व फिक्र कर रहा था और बहुत सोच रहा था और मेरे इल्म की हद तक मैंने गौर व फिक्र किया तो मुझे ऐसा नजर आया कि बीबी फातिमा के अब्बा मना करते हैं, करने का तो दिन मेरा भी कर रहा है लेकिन बीबी फातिमा के अब्बा मना करते हैं। तो वो जो बेगम साहिबा थी, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह अगर हैं तो वो समझ गए थे कि बीबी फातिमा से इतनी मोहब्बत है तो अल्लाह के नबी से कितनी मोहब्बत होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो ये जो कुछ कर रही है जिद इनाद की वजह से नहीं, एक मोहब्बत में कर रही है। तो हम ही भर ली पहले, और हम ही भरने के बाद कहा कि वो रस्म का दिन करीब आ रहा है फातिहा का, मगर मैंने बहुत गौर व फिक्र किया, मेरे इल्म की हद तक तो बीबी फातिमा के अब्बा मना कर रहे हैं, अब हम क्या करें। तो क्या बीबी फातिमा के अब्बा मना कर रहे हैं? तो क्या हाँ बीबी फातिमा के अब्बा मना कर रहे हैं। तो क्या अगर बीबी फातिमा के अब्बा मना कर रहे हैं तो हमें वो काम नहीं करने का, हमें वो काम नहीं करने का। रस्म को छोड़ना ये कितना मुश्किल काम है, वो तो उन इलाकों में जाइए जहां रस्में होती हैं। लेकिन चूंकि इस औरत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, और जिस आलिम से बात कर रही थी, जिन आलिम से बात कर रही थी उनके इल्म पर एतिमाद था कि ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, तो जब उनके सामने ये बात आ गई कि बीबी फातिमा के अब्बा मना कर रहे हैं, तो हमें तो असल मोहब्बत तो बीबी फातिमा के अब्बा से है, और बीबी फातिमा के अब्बा जिस चीज के लिए मना करे वो हम कैसे कर सकते हैं, फौरन वो रस्म छोड़ दी। इसीलिए हजरत हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भाई असल चीज तो मोहब्बत है, असल चीज तो मोहब्बत है। बहुत से लोग गलत गलत काम जो करते हैं वो मोहब्बत में करते हैं। शिर्क जो वजूद में आता है वो मोहब्बत की वजह से आता है, शिर्क नफरत की वजह से नहीं, मोहब्बत की वजह से वजूद में आता है। बस ये है कि इल्म सही नहीं होता, इल्म सही नहीं होता, उनको धोखे में रखा जाता है। अगर कोई ऐसा शख्स उनको मिल जावे जिस पर उनको एतिमाद हो जावे, और फिर वो इनको बतलाए कि जिसकी मोहब्बत में तुम ये काम कर रहे हो वो इससे नाराज होता है, खुश नहीं होता, वो फौरन छोड़ देंगे। तो अल्लाह की रजा मिलेगी अच्छे कामों को करने से और बुरे कामों से बचने से। अच्छे कामों से क्या मुराद? फराइज वाजिबात का एहतिमाम, और मजीद आगे सुन्नतों मुस्तहबात और नवाफिल को भी हत्तल इम्कान करने की कोशिश करना जितना ज्यादा हो सके, और हराम और मकरूहात तहरीमिया से बचना और मकरूहात तंजीहिया से भी जितना हो सके बचना। तो अच्छे कामों को करने और बुरे कामों से बचने से अल्लाह की रिजा हासिल होती है, और अच्छे कामों को करना और बुरे कामों से बचना ये मुमकिन तब होता है जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए। असल चीज अल्लाह की मोहब्बत है। अगर दिल में मोहब्बत होती है वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता। तासिल इलाह व अंत तुज़हिरु हुब्बहु, तासिल इलाह व अंत तुज़हिरु हुब्बहु, हादा लअम्री फिल फिआल अजीबु, लव कान हुब्बुका सादिकन लअताअतहु, इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। एक तरफ तो तू कहता है कि मुझे अल्लाह से बहुत मोहब्बत है, और दूसरी तरफ तू अल्लाह की नाफरमानी करता है। ये अजीब गरीब बात है, समझ में नहीं आती ये बात। क्यों? इसलिए कि उसूल और कायदा ये है, पूरी दुनिया का फितरत का ये तकाजा है कि अगर मोहब्बत में कोई सच्चा होता है तो महबूब की इताअत करता है, फरमा बरदारी करता है, उसकी मंशा और मर्जी पे चलता है। आशिक हमेशा अपने माशूक, मुहिब हमेशा अपने महबूब की मर्जी को देख करके चलता है। मेरी बीवी क्या चाहती है, मेरा शोहर क्या चाहता है, मेरी औलाद क्या चाहती है, मेरे अब्बू क्या चाहते हैं, मेरी अम्मी क्या चाहती है, मेरे शेख क्या चाहते हैं, मेरे उस्ताद क्या चाहते हैं, जो भी हमारा महबूब होता है, ये कायदा है। इसलिए दिल में मोहब्बत को पैदा करना अल्लाह की एक की है, एक कुंजी है, और मकसूद कहां तक ले जाएगी ये कुंजी? ये हमें ले जाएगी अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मन वालुहु की रिजा तक। और असल कामयाबी यही है कि अल्लाह राजी हो जाए। मैंने कहा ना खानकाह पूरी दुनिया में चल रही है, मकसूद उसका क्या है कि अल्लाह की रिजा तक बंदे पहुंच जाएं। दावत और तबलीग की तहरीक पूरे आलम में फैली हुई काम कर रही है। क्या मकसद है उसका? कि अल्लाह के बंदे ऐसी जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं जिससे अल्लाह राजी हो जाए। मदारिस चल रहे हैं, मदारिस क्यों? अल्लाह का दीन महफूज हो, ऐसे उलमा तैयार हो जो उम्मत को बतलाएं कि किन चीजों से अल्लाह राजी होता है, किन चीजों से अल्लाह नाराज होता है। ऐसा ना हो
कि मेहनत ना करने की वजह से मुस्तकबिल में हलाल चीज हराम समझी जाने लगे और हराम को हलाल समझा जाने लगे। देखो ये सारे जिन जिन कामों में लगे हुए मकसूद असल रिजाए इलाही है। इसीलिए हजरत शेखुल हदीस मौलाना जकरिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मेरे प्यारो न खानकाह मकसूद है, न मदरसा मकसूद है, न तबलीग मकसूद है। ये जराए हैं, बहुत जरूरी हैं, इनके बगैर जो है मकसूद तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मकसूद नहीं है ये चीजें, न मदरसा मकसूद, न तबलीग मकसूद, न खानका मकसूद। और हजरत आगे फिर ये इरशाद फरमाते हैं मेरे ऊपर कोई मुफ्ती फतवा न लगा दे, इसलिए कि आगे की बात जरा थोड़ी हजम करनी मुश्किल होगी अगर गौर न करें तो। तो हजरत ने पहले फरमाया कि मेरे ऊपर कोई मुफ्ती फतवा न लगा दे कि ये क्या कह रहे हैं, मैं तो ये कहता हूं कि न नमाज मकसूद, न रोजा मकसूद, न हज मकसूद। नमाज, रोजा, हज, जकात ये भी मकसूद नहीं है, ये तो इसलिए है कि इनको करने से अल्लाह राजी होता है। मैं तो ये कहता हूं कि न नमाज मकसूद, न रोजा मकसूद, न हज मकसूद, न जकात मकसूद। मकसूद तो सिर्फ ये है कि बंदा अल्लाह से लिपट जावे, बंदा अल्लाह से लिपट जावे, यानी अल्लाह अल्लाह से इतनी मोहब्बत पैदा हो जावे उसको कि वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक काम करके अल्लाह को राजी कर ले। और मेरे भाइयों, किसी के दिल में अगर अल्लाह ताला शानहू की मोहब्बत पैदा हो जावे तो इससे बढ़कर कौन सी नेमत हो सकती है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में लोग बैठे हुए थे तो किसी ने कहा कि हजरत आप बड़े साहिब करामत बुजुर्ग हैं। तो हजरत ने कुछ तवाजु के जुमले कहे तो कहा कि नहीं नहीं, आपकी तरफ से तवाजु है, आप बड़े साहिब करामत बुजुर्ग हैं इसलिए कि आप पानी पे चलते हैं। बाज लोगों ने देखा है आपको पानी पे चलते हुए। तो हजरत ने फरमाया कि भाई अगर मुझे किसी ने पानी पे चलते हुए देख लिया है तो ये कौन से बड़े कमाल की बात है। ये छोटे छोटे तीन के लकड़ी के छोटे छोटे पुर्जे पत्ते ये भी पानी पर तो चलते हैं, तो अगर मेरा पानी पे चलना कमाल की बात है और मैं साहिब कमाल हूं और साहिब करामत हूं तो ये तीन के भी साहिब कमाल और साहिब करामत है। तो किसी ने कहा कि हजरत चलो फिर इसे रहने दो, लोगों ने आपको हवा में उड़ते हुए देखा है, ये तो करामत है ना, ये तो आपको मानना पड़ेगा। हजरत ने फरमाया कि भाई अगर किसी ने मुझे हवा में उड़ते हुए देखा हो तो ये भी कौन से कमाल की बात है, मक्खियां भी हवा में तो उड़ती हैं। और जर्रात ये पार्टिकल्स जो हमें मुश्किल से नजर आती है वो भी हवा में तो उड़ते हैं, तो अगर हवा में उड़ने की वजह से मैं साहिब कमाल तो फिर वो भी साहिब कमाल। तो किसी ने कहा कि हजरत हमें ये भी पता चला है कि आप आनन फानन चंद सेकंडों में यहां से मक्का मुकर्रमा पहुंच जाते हैं और मक्का मुकर्रमा जाकर तवाफ करके वापस आ जाते हैं। तो हजरत ने फरमाया कि अगर ये कमाल की बात है और इसकी वजह से कोई साहिब कमाल होता है और साहिब करामत होता है तो शैतान तो पूरी दुनिया में घूमता रहता है, शैतान पूरी दुनिया में घूमता रहता है, तो वो भी साहिब कमाल हो गया। देखो ये करामात जो है, करामात औलिया की ये बरहक हैं, औलिया की करामात बरहक हैं। हम औलिया को भी मानते हैं और औलिया की करामात को भी मानते हैं। हमारे अकीदे की किताबों में लिखा हुआ है कि करामातुल औलिया हक्कुन, औलिया की करामात बरहक हैं। इसे कि औलिया जो हैं वो अंबिया के वारिस हैं, तो अंबिया के हाथों जिस तरह मौजिजात का जहूर होता है औलिया के हाथों करामात का जहूर होता है। तो औलिया के हाथों करामात का जहूर होता है और हो सकता है, लेकिन किसी के वली होने के लिए करामत का होना जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि करामत नहीं है तो वली नहीं, करामत नहीं है तो वली नहीं, करामत नहीं है तो वली नहीं।
वली बनने के लिए क्या जरूरी है? वली बनने के लिए जरूरी यह है कि उसके दिल में इतनी मोहब्बत पैदा हो जाए अल्लाह की कि वो अल्लाह के तमाम हुक्मों को बजा लाए और अल्लाह की नाफरमानी ना करे। ये है वली। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। लेकिन अगर किसी वली के हाथों कोई सुपर नेचुरल चीज जाहिर हो जाए, कोई खरके आदत चीज जाहिर हो जाए, तो उसको करामत कहेंगे और उसको हम मानते हैं, वो जादू नहीं है। अगर शरीयते मुतहरा पे चलने वाले आदमी की लाइफ में कोई सुपर नेचुरल चीज नजर आ जाए आपको कि पत्थर बोल पड़ा उनके कहने की वजह से, दरख चलने लगा उनके कहने की वजह से, 10 आदमियों के खाने पे उन्होंने कुछ दम कर दिया और 1000 आदमी खाना खा गए और शरीयत पर पाबंद है वो, इसको करामत कहते हैं। और अगर कोई सुपर नेचुरल चीज, खरके आदत चीज किसी ऐसे शख्स के हाथों पर जाहिर हो जो शरीयत मुतहरा का पाबंद नहीं है, ये करामत नहीं है, इसे इस्तिदराज कहते हैं। ये अल्लाह की तरफ से उसको ढील दी जा रही है कि हम देखते हैं कि शरारत में कहां तक पहुंचता है, और दूसरे लोगों के लिए ये शख्स आजमाइश है। तो इससे मालूम क्या हुआ? मालूम ये हुआ कि सुपर नेचुरल चीज ये विलायत की अलामत या दलील नहीं है। इससे कि सुपर नेचुरल चीज अगर साहिबे दीन और मुतशर्रे आदमी के हाथों जाहिर हो तो विलायत है, तो वली है, वरना नहीं। तो देखो यहां क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि अगर कोई गौर से जरा सुनिए, सुपर नेचुरल चीज, खरके आदत चीज शरीयते मुतहरा के पाबंद के हाथों पर जाहिर हो तो वो चीज करामत है। उल्टा नहीं कहा जा रहा है कि जिसके हाथों पर सुपर नेचुरल चीज जाहिर हो वो वली है, ये नहीं कहा जा रहा है। तो इसका मतलब यह कि सुपर नेचुरल चीज के जाहिर होने से कोई वली नहीं बनता, वली बनने के बाद सुपर नेचुरल चीज जाहिर होती है। वली बनने के बाद यानी शरीयत पर अमल करने वाला हो जाने के बाद अगर कोई चीज सुपर नेचुरल जाहिर हो तो क्या है? करामत है। तो मालूम हुआ कि पहले करामत हुई और फिर कोई वली बन जा रही है, नहीं, पहले वली बनता है और फिर सुपर नेचुरल चीज अगर जाहिर हो तो वो करामत है। तो इससे पता ये चला कि वली बनता है किसी और चीज से, और वो चीज क्या है? शरीयत की पाबंदी। शरीयत मुतहरा की पाबंदी से वली बनता है, और वली बनने के बाद अगर कोई चीज सुपर नेचुरल जाहिर हो तो वो करामत है, और अगर शरीयत मुतहरा की पाबंदी नहीं है तो वो वली नहीं, और वली नहीं है और फिर कोई सुपर नेचुरल चीज जाहिर होती है तो वो जादू है, वो इस्तिदराज है, वो फितना है। आजकल जहालत के आम होने की वजह से उल्टा समझा जाता है कि जहां कहीं कोई सुपर नेचुरल चीज जाहिर होती है आप ये बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग लग रहा है। हमें, हमारे लिए मैयार शरीयत है, दीन है, शरीयत है, दीन है, जिंदगी में दीन है या नहीं, शरीयत सच्चाई है या नहीं, अमानतदारी है या नहीं, इफ्फत है या नहीं, हराम से दूर रहना है या नहीं, रोजी हलाल है या नहीं, ये सब चीजें देखी जाती है। तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाई अगर पानी पे चलना करामत है और कमाल है तो तिनके भी पानी पे चलते हैं, पत्ते भी पानी पे चलते हैं, और अगर हवा में उड़ना कमाल और करामत है
मक्खियां भी हवा में उड़ती हैं, जर्रात भी हवा में उड़ते हैं, परिंदे भी हवा में उड़ते हैं। और ये बात के मैं आनन फानन मक्का मुकर्रमा चला जाता हूं और फिर आ जाता हूं हजारों मील का सफर करके, अगर ये करामत की बात है, शैतान तो पूरी दुनिया में घूमता है। और कुछ जादूगरों को भी अपने जादू की वजह से ऐसी ताकत आ जाती है कि वो कहां से कहां घूम करके आ जाते हैं। तो लोगों ने कहा कि हजरत फिर आप ही हमें बतलाइए कि करामत क्या है और कमाल क्या है, करामत क्या है और कमाल क्या है। तो हजरत ने फरमाया कि करामत और कमाल यह है कि बंदा मेहनत करके अपने दिल को मां सिवल्लाह से खाली कर दे और अल्लाह की मोहब्बत का मरकज बना ले, यह है करामत। अल्लाह के अलावा हर चीज दिल से निकल जाए और दिल में अल्लाह की मोहब्बत उतर जाए, यह है करामत, यह है करामत, यह बहुत बड़ी करामत। इसलिए कि अब दोनों जहान की दौलत है इसके हाथ में, तुम हुए हासिल तो सब हासिल हुए। तो अल्लाह को कह रहा है शायर, हकीम अख्तर साहिब रहिमहुल्लाह ताला का शेर है कि तुम हुए हासिल तो सब हासिल हुए। पहला मिसरा है, तुम नहीं हासिल तो कुछ हासिल नहीं। मैं हवा में उड़ता रहूं, मैं पानी पे चलता रहूं, मैं आनंद फानन यहां से पाकिस्तान चला जाऊं और आ जाऊं, मैं पूरी दुनिया पर हुकूमत करता रहूं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा मालदार शख्स बन जाऊं, पूरी दुनिया मेरे सामने झुक जाए, मेरे कदमों में आ जाए, तुम नहीं हासिल तो कुछ हासिल नहीं, और तुम हुए हासिल तो सब हासिल हुए। अल्लाह हमारा हो गया तो सब कुछ हमारा हो गया, अल्लाह हमारा हो गया तो सब कुछ हमारा, सब कुछ हमारा, हर चीज ताबे, हवा भी ताबे, आग भी ताबे, जमीन भी ताबे। पानी भी ताबे। हजरत साहबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अली मजमईन की जिंदगियों को देखें कि जरूरत पड़ी तो पानी पर घोड़े डाल दिए, दश्त है तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कश्तियां ही नहीं थी और दुश्मन उधर, अब पानी में कौन दाखिल हो घोड़ों के साथ, पूरे लश्कर को लेकर के समंदर पे, और समंदर को अल्लाह ने पानी को ऐसा बना दिया कि घोड़े चल रहे हैं उसके ऊपर। दश्त तो दश्त, ये जंगलात में तो तुमने अपने घोड़े दौड़ाए, दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने। अल्लामा इकबाल का ये शेर है कि दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, हमने से मुराद हमारे जो बड़े गुजरे हैं साहबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन, अपने आप को उनकी तरफ निस्बत करके फख्र कर रहे हैं अल्लामा इकबाल कि दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। लगाता था तू जब नारा तो खैबर तोड़ देता था, सिर्फ अल्लाह अकबर के नारे में इतनी ताकत थी कि खैबर का दरवाजा खुल जाता था। लगाता था तू जब नारा तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता था समंदर को तो रास्ता छोड़ देता था। दिल में जब मोहब्बत होती है अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मन, ये सबसे बड़ी करामत। इसलिए कि जब दिल में अल्लाह है इसका मतलब है कि अल्लाह मेरा हो गया, अल्लाह मेरा हो गया। अब अल्लाह मेरा हो गया, दिल में अल्लाह उतर गया, अल्लाह मेरा हो गया, तो हालात सारे साजगार, चाहे देखने वाले को ऐसा नजर आए कि हालात साजगार नहीं है। बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु एक गुलाम और उमैया बिन खलफ के गुलाम, जो कट्टर दुश्मन, और बहुत गुस्सा उसे आता था कि मेरा गुलाम होकर मोहम्मद का कलिमा पढ़ता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर यह भी होता है
कि किसी से जब दुश्मनी होती है और उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो उसके ताल्लुक वाले पर सारा जोर निकाला जाता है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिल कितना जलता होगा उमैया का कि मैं मोहम्मद को ऐसा कर लूं ऐसा कर लूं ऐसा कर लूं। लेकिन बनू हाशिम बहुत ताकतवर कबीला और बहुत मुअज्जज कबीला, तो ये गुस्सा भी निकालता होगा बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु पर। सख्त गर्मी में लिटाए जाते थे हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु, और सीने के ऊपर ऐसा वजनी पत्थर रखा जाता था कि आप हरकत न कर सकें। लेकिन दिल में अल्लाह था, दिल में अल्लाह की मोहब्बत उतरी हुई थी। तो इस हालत के अंदर भी वो अहद अहद बोलते थे, अहद 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 अहद। एक लम्हे के लिए भी जुम्बिश नहीं आई कि हाँ मैं देखे उकफुर भी मोहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के साथ कुफर कर। कहते थे कि अहद 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 अहद, यानी अल्लाह से इतना ताल्लुक हो गया था कि इतनी मुसीबतों में घिरे हुए होने की हालत में अहद अहद कहते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस अहद अहद कहने की लज्जत पूरे जिस्म में ऐसी फैल जाती होगी कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के लिए वो सारी कड़वाहट जो है वो काफूर हो जाती होगी। तो वो उमैया जो कुछ कर रहा था वो कड़वी चीज थी, और उसकी कड़वाहट का इलाज, जैसे कभी कभी हम लोग भी बहुत कड़वी दवा पीते हैं तो उसके बाद फौरन एक चम्मच शहद का मुंह में रख देते हैं, तो ये जो कड़वाहट थी, दर्द, बेचैनी, तो अहद बोलते थे तो जो पूरा ऐसा लगता है कि पूरे जिस्म में मिठास फैल गई। फिर अहद तो मिठास, अहद मिठास, अहद मिठास। मौलाना तलहा साहब को मुझसे मोहब्बत ना हो और मैं मौलाना तलहा साहब से कहूं कि मौलाना जरा मेरे घर जाकर के फुला चीज ले आइए, बाहर बारिश हो रही है, सर्दी है, बर्फबारी हो रही है, तो हो सकता है कि शर्म में सबके सामने इनकार न कर सके, लेकिन बोझ बहुत लगेगा, बोझ बहुत लगेगा। और अगर किसी मतलब को लेकर के आए हैं कि मैं गरीब आदमी हूं आप मुझे कुछ दे दीजिए, तो इस मतलब से करेंगे कि कुछ मिलने वाला है मगर बोझ जरूर लगेगा, मजा नहीं आएगा उसमें, और दिल में यह ख्याल आएगा कि यार अगर ये जरूरत ना होती तो ये मुझे करना ना पड़ता। हमें अल्लाह ताला शानों से ताल्लुक नहीं है, इसलिए मुसलमान जो है नमाज पढ़ने के लिए तकलीफ गवारा नहीं करता, और जो पढ़ने के लिए आते हैं वो जहन्नम से बचने के लिए आते हैं। तो जहन्नम से बचने के लिए मुझे यह करना पड़ रहा है, वरना जहन्नम का मसला अगर न होता तो मैं ना आता। चार रकात सुन्नत नहीं पढ़ेंगे जोहर से पहले तो पकड़ होगी इसलिए पढ़ता हूं, चार रकात फर्ज नहीं पढ़ोगे जोहर की तो इसलिए पढ़ता हूं सजा मिलेगी, दो सुन्नत भी पढ़नी ही पड़ेगी इसलिए कि सजा मिलेगी, अब दो नफर की जरूरत नहीं है, है ना भाई। अब यहां कोई बैठ कर कहेगा कि मैं तो दो नफल भी पढ़ता हूं, तो उसकी लालच जहन्नम से बचने की है और आपकी लालच जन्नत की नेमत की है। चलो यार दो रकात भी पढ़ लेते कुछ ज्यादा ही मिल जाएगा, ये भी इखलास है, ये भी अच्छी चीज है, अल्लाह ने हमें महरूम नहीं किया है इससे भी, हमारी कमजोरियों को सामने रख करके चलो भाई इसको भी मैं इखलास में ही शामिल कर लूंगा कि दुनिया के लिए तो नहीं कर रहे हैं आखिरत में जहन्नम से बचने के लिए कर रहे हैं, ये भी मुखलिस है। लेकिन मजा तो तब आता ना जब दिल में यह ख्याल आता कि मेरा अल्लाह इस वक्त कितना खुश हो रहा होगा, मेरा अल्लाह कितना खुश हो रहा होगा। मेरा अल्लाह कितना खुश हो रहा होगा। हजरत शाह फजलुर रहमान साहिब गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह जब सज्दे में सर रखते थे तो जल्दी उठाते नहीं थे, तो लोगों ने पूछा कि हजरत सज्दा बड़ा तवील होता है, तो हजरत ने फरमाया कि जब सज्दे में सर रखता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने अपना सर अल्लाह की गोद में रख दिया है। और आपको भी और मुझे भी पता है कि मां बहुत महबूब होती है हमें, तो बड़ी उम्र में भी मां की गोद में जब हम सर रख देते हैं तो कितना अच्छा लगता है, गम में तो अच्छा ही लगता है, जब गमी होती है तो सुकून मिल जाता है,
लेकिन अच्छे मूड में होते उस वक्त भी माँ के गोद में अगर कोई सर रख देता है तो बहुत लुत्फ आता है उसे, बहुत लुत्फ आता है। तो हदीस शरीफ में आता है कि अकरबु मा यकूनुल अब्दु इला रब्बिही वहुवा साजिद, सजदे की हालत में बंदा अल्लाह के बहुत करीब होता है, बहुत करीब होता है अल्लाह के। तो कहते हैं जब मैं सर सजदे में सर रखता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने अपना सर अल्लाह की गोद में रख दिया है। और हकीम अख्तर साहिब रहमतुल्लाह अलैहि तो उस पर एक इजाफा भी फरमाते हैं कि और मुझे ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह मेरे सर पे हाथ फेर रहा है। एक बुजुर्ग थे, वो सजदे में जाते थे तो बहुत तवील सजदा करते थे, और बुजुर्गों की उनकी जिंदगी में मुखालिफिन भी होते हैं। हजरत कारी सिद्दीक बानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो भी अल्लाह का सच्चा वली होगा, जो भी अल्लाह का सच्चा वली होगा उसके साथ तीन चीजें लगी रहेंगी। नंबर एक, उसकी रोजी हमेशा हलाल होगी, मुश्तबह नहीं होगी रोजी की, यार ये कुछ गड़बड़ी मालूम हो रही है, हलाल रिज्क हलाल उनका। दूसरी चीज, सब उनकी तारीफ करने वाले नहीं होंगे, कुछ ना कुछ मुखालफत करने वाले होंगे, लोगों को ताज्जुब होगा चाहने वालों को कि यार इतने बड़े वली के बारे में ये क्या जुमले बोल रहे हैं, ऐसे कुछ ना कुछ हमेशा होंगे। और नंबर तीन, इनकी जिंदगी आफियत वाली नहीं होगी, हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहेगा, कोई ना कोई आजमाइश, कोई ना कोई तकलीफ, कोई बीमारी लग गई, या एक आज बीमार हुए कल ठीक हो गए तो बीवी बीमार हो गई, वो ठीक हो गई मां बीमार हो गई, किसी का घर में इंतकाल हो गया, कोई चोरी हो गई, कोई ये हो गया, कुछ ना कुछ तकलीफ उनके साथ लगी रहेगी। तो लोग जो है उनकी गिबत भी करते थे कि दिखावे के लिए सज्दे में पड़ा रहता है, इतने लंबे लंबे सज्दा करता है, सज्दे करता है। तो उनके मुरीदों में से किसी ने कहा कि बहुत लंबा सज्दा, बहुत गैर मामूली सज्दा, समझ में नहीं आता। तो हजरत ने फरमाया कि भाई ये हमारा काम है, हमें करते रहने दो। कहा कि नहीं हजरत, फिर भी। तो फरमाने लगे कि असल में बात यह है कि जब मैं सज्दे में जाता हूं तो मुझे ये ख्याल आता है कि इस वक्त मैं अल्लाह से बहुत करीब हो गया हूं। इसलिए कि हदीस कहती है कि बंदा सजदे की हालत में सबसे ज्यादा करीब होता है। अब जब मैं सज्दे में सर रखता हूं और अल्लाह से बहुत ज्यादा करीब होने का एहसास दिल में पैदा होता है तो सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला कुछ देर तक पढ़ता रहता हूं। फर्ज नमाजों में मुख्तसर सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। लेकिन नफल नमाजों में आप पांच मरतबा पढ़ें, सात मरतबा पढ़ें, और कभी कभी मेरे भाइयों पढ़ लिया करो, कभी कभी ये तसव्वुर लाओ सजदे में कि मैं अल्लाह के बहुत करीब हो गया हूं, चलो पांच मरतबा तस्बीह पढ़ लेते हैं, चलो सात मरतबा पढ़ लेते हैं। और जो मसनून अदिया हैं, यानी वो दुआएं जो हदीसों में सिखाई गई है या कुरान में आई है, जैसे रब्बना आतेना फिद दुनिया, ये दुआ भी मांगो नफल नमाज में, सजदे की हालत में, रुकू की हालत में, नफल नमाजों में मांगना चाहिए। और मेरे जो तालिबे इल्म साथी हैं, जो हमारी इल्मी बिरादरी के दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं, उनकी खिदमत में गुजारिश है कि जब तहज्जुद की नमाज पढ़ो तो हम लोगों की आदत यह होती है कि चार रकात पढ़ लेते हैं और चार रकात पढ़ने के बाद 10 मिनट 15 मिनट बाद लोगों को तौफीकात मिलती है। तो उनकी खिदमत में गुजारिश है कि अल्लाह ने आपको अरबी जुबान से नवाजा है, बहुत सारी अरबी दुआएं आपको याद होती हैं, तो सजदे में जब जाते हैं तहज्जुद में या नफल नमाज में उस वक्त अल्लाह से पढ़े रहो थोड़ी देर के लिए, और सजदे में मांगो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت اور رو اللہ کے سامنے۔ عوام الناس اتنا نہیں کر سکتے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو یہ قرآن اور حدیث میں جو دعائیں ہیں وہ اور ان کے مشابہ دعائیں آتی نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی نمازیں فاسد ہو جائے، اور اگر آتی ہے تو ان کو معنی معلوم نہیں ہوتا۔ علماء کو کر کے دیکھو، करके देखो कि कितना लुत्फ आता है और कितना कुर्ब महसूस होता है। मुल्तजम पर जब कोई जाता है और उसे ऐसा एहसास हो कि बस मैं अल्लाह के
गोद में पहुंच गया हूं। तो अगर कोई इस तसव्वुर के साथ कि मैं अल्लाह के बहुत करीब इस वक्त पहुंच गया हूं सजदे में, आपको ही मुंतजम वाली कैफियत यहां नसीब होगी। तो कहते हैं कि मैं जब सुभान रब्बी अलाला सुभान रब्बी अलाला सुभान रब्बी अलाला कई मरतबा पढ़ता हूं अल्लाह के कुर्ब का एहसास करते हुए, और फिर ख्याल करता हूं कि सर उठाऊं, तो सर उठाने का ख्याल आता है तो दिल में यह ख्याल आता है कि हो सकता है कि सर उठाते ही तेरी रूह कब्ज हो जाए और यह तेरा आखिरी सजदा हो, तो दिल ये करता है कि चलो अल्लाह के हुजूर और थोड़ी देर पड़े रहें, और फिर शुरू हो जाता हूं सुभान रब्बी अलाला सुभान रब्बी अलाला सुभान रब्बी अलाला सुभान रब्बी अलाला सुभान रब्बी अलाला। फिर ख्याल आता है कि अब सर उठा लेना चाहिए, तो फिर वही ख्याल आता है कि हो सकता है कि सर उठाते ही तेरी रूह कब्ज हो जावे, तो फिर पड़ा रहता हूं। तो कहा बस इस तगोदो में रहता हूं और इसी वजह से सजदा कितना तवील हो जाता है पता नहीं चलता। दिल में अल्लाह की मोहब्बत उतारो। दिल में जब अल्लाह की मोहब्बत उतर दी है तो बंदा अल्लाह का हो जाता है। दिल में अल्लाह बंदा अल्लाह का हो जाता है। तेरा हो जाऊं इतनी आरजू है, बस मेरी तो इतनी ही आरजू है कि मैं तेरा हो जाऊं। तो बगैर मोहब्बत के तो किसी का नहीं हो जाता ना। तेरा हो जाऊं इतनी आरजू है, बस इतनी है तमन्ना, इतनी ही आरजू है और इतनी ही तमन्ना है कि मैं तेरा हो जाऊं। मगर तेरा होने के लिए तो दिल से गैरुल्लाह निकलना चाहिए और तेरी मोहब्बत उतरनी चाहिए, इसलिए मैं तुझसे दुआ कर रहा हूं कि दिल बदल दे। तेरा हो जाऊं इतनी आरजू है, बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे। कोई तुझसे कुछ कोई कुछ मांगता है, इलाही मैं तुझसे तलबगार तेरा, मुझे तो तू चाहिए अल्लाह, मुझे तो तू चाहिए। अल्लाह से मेरे भाइयों अल्लाह को मांगो, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत को मांगो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस'अलुका हुब्बक, ये अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत दे दे, अपनी मोहब्बत। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस'अलुका हुब्बक, ये अल्लाह मुझे आपकी आप अपनी मोहब्बत दे दीजिए। अल्लाहुम्मा जल हुब्बक अहब्बल अशिया इलै, ये अल्लाह सिर्फ मोहब्बत नहीं चाहिए, मेरे दिल में आपकी मोहब्बत तमाम चीजों की मोहब्बत से ज्यादा हो जाए। और तमाम चीजों से मुराद खास खास चीजें भी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस अल्लाहुम्मा जल हुब्बक अहब्ब इलैय मिन नफ्सी, मेरी जान से भी ज्यादा महबूब, व मिन अहली मेरे बीवी बच्चों से भी ज्यादा महबूब, व मिन अल माइल बारिद और ठंडे ठंडे पानी से भी ज्यादा महबूब। इतनी मोहब्बत हो जाए, इतनी मोहब्बत हो जाए कि जन्नत की वो तलब न रहे जो अल्लाह के दीदार की तलब हो। इब्नुल फारिज रहिमहुल्लाह ताला नक्शबंदी सिलसिले के एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे। इंतकाल का उनका वक्त आया तो अल्लाह जल्ला जलालुहु आम नवालुहु ने मौत को आसान करने के लिए अपने बंदों के साथ जो खुसूसी मामला फरमाते हैं, अभी मौलाना तलहा साहिब और मौलाना जुबैर साहिब से एक हमारे मुहिब हाजी साहिब की मैं बात कर रहा था, अल्लाह ताला शानहु उनको सेहत कामिला अता फरमावे और बहुत आफियतों वाली जिंदगी नसीब फरमावे, उम्र में बरकत दे अल्लाह उनको, और जब भी आखिरी घड़ियां आए तो अल्लाह ताला शानहु उन्हें आसानी के साथ खुशियों के साथ पूरे इश्तियाक के साथ अपने अपने पास बुलाए। तो नेक आदमी है, और नेक आदमी दो किस्म के होते हैं। कुछ लोगों के ऊपर जो है रजा का गलबा होता है, उम्मीदों का, तो बस वो कहते हैं कि बस अब जल्दी घड़ी जल्दी आ जाए तो अच्छा है कि मैं बस अल्लाह से जाकर के मिल लूं। और कुछ लोगों के ऊपर खौफ का गलबा होता है कि जिंदगी में कुछ किया तो है नहीं, अगर रूह निकलेगी तो मेरा क्या होगा। तो कह रहे थे कि उनको जरा ये फिक्र आखिरत बहुत गालिब रह जाती है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा फिक्र की बात नहीं है, जब वक्त करीब आता है, वक्त करीब आता है तो अल्लाह ऐसी ऐसी चीजें अपने नेक बंदों को दिखाते हैं कि जिससे खौफ खत्म हो जाता है और इश्तियाक बढ़ जाता है। फरिश्ते नजर आते हैं, फरिश्ते रहमतें लेकर उतरते हुए नजर आते हैं, खुशबुएं फैल जाती हैं, जन्नत की नेमतें उनके सामने पेश की जाती हैं, जन्नत का दीदार कराया जाता है। तो इब्नुल फारिज रहिमहुल्लाह ताला का जब आखिरी वक्त आया तो अल्लाह ताला शानहु ने
सातों आसमान खोल दिए और जन्नतुल फिरदौस का दीदार कराया उनको, जन्नत का दीदार कर रहे हैं सारी नेमतें। तो इब्नुल फारिज रहिमहुल्लाह तआला ने जब देखा कि मौत का वक्त करीब है और मुझे तो अल्लाह जन्नत दिखा रहे हैं, जन्नत दिखा रहे हैं, हमने तो पूरी जिंदगी जो मेहनतें की, जो रियाजतें की, जो जफाकशी की, वो अल्लाह को देखने के लिए की थी, जन्नत देखने के लिए थोड़ी की थी। हम तो अल्लाह चाहते हैं, जन्नत हमें दे रहे, जन्नत तो हमारी नजर में एक खिलौना है। कोई ऐसा ना समझे कि जन्नत मकसूद नहीं है, जन्नत को मांगना ही अल्लाह को मांगना है, इसलिए कि जन्नत तो उसको मिलती है जिससे अल्लाह राजी होता है। तो ये अल्लाह जन्नत दे दे इसका मतलब है कि अल्लाह तो राजी हो जाए और जन्नत दे दे, तो ये कहना कि जन्नत मतलूब नहीं है ये गलत है। जहां जहां ऐसे वाकियात आते हैं जैसे इब्नुल फारिज रहिमहुल्लाह तआला का है, वो अल्लाह की मोहब्बत का गलबा इस कदर होता था कि वो मोहब्बत के जो समरात है उसकी तरफ जहन ही नहीं जाता, जहन ही नहीं जाता उनका उस वक्त, उनको बस अल्लाह। जैसे राबिया बिसरिया रहमतुल्लाह अलैहा के ऊपर एक मरतबा एक गलबा हुआ, और गलबा हुआ और एकदम से बाहर निकल पड़ी पर्दा वर्दा पहन करके, और एक हाथ के अंदर एक बर्तन में आग थी, दूसरे के अंदर पानी था, और बसरा के गलियों में घूमने लगी। तो लोगों ने कहा कि बस राबिया को क्या हो गया, सब लोग इकट्ठे हो गए, और किसी ने पूछा कि खैरियत तो है, तो कहा खैरियत किया, मैंने इबादत करने वालों को देखा तो मैंने दो कैटेगरी देखी, दो किस्म के लोग देखे, कुछ वो है जो जन्नत के लिए इबादत करते हैं और कुछ वो है जो जहन्नम से बचने के लिए। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं ये भी इखलास है, इसे कि जहन्नम से बचना दुनिया नहीं है, जन्नत हासिल करना दुनिया तो आखिरत में है। तो कुछ वो है जो जहन्नम से बचने के लिए इबादत करते हैं और कुछ वो है जो जन्नत हासिल करने के लिए इबादत करते हैं। मैंने देखा कि ये सारे आबिद जो है अल्लाह के लिए तो कोई इबादत ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि खालिस अल्लाह को मकसूद बनाकर कि जन्नत मिले न मिले, जहन्नम से बचे न बचे, अल्लाह चाहिए, ये गलबा था उन पर। हमें तो अल्लाह को भी मांगना है, जन्नत को भी मांगना है, और जहन्नम से बना भी मांगनी है, तीनों करना है। हम एकदम गलबा होता है, और जब किसी चीज का गलबा होता है, किसी चीज का गलबा, तो उस वक्त वही जैसे आग लग जाए, आग लग जावे तो मां के जहन में एक ही चीज है, मेरा बच्चा कहां गया। तो मां का उसका शोहर भी अगर सामने आ जाएगा तो हटो हटो मेरा बच्चा कहां है, इसका मतलब नहीं कि उसको अपने शोहर से मोहब्बत नहीं है। गलबा इस वक्त बच्चा बच्चा बच्चा, जब बच्चा हाथ में आ जाता है फिर बाकी सारी चीजें नजर आती है। तो गलबा होता था, मगर बात बड़ी पते की कि मैंने इबादत करने वालों को देखा, कोई इबादत कर रहा है जहन्नम से बचने के लिए, कोई इबादत कर रहा है जन्नत को हासिल करने के लिए। तो मैंने सोचा कि आज मैं इस आग से जहन्नम को जला दूं, और इस पानी से, इस आग से जन्नत को जला दूं, और इस पानी से जहन्नम को बुझा दूं, ताकि जन्नत भी न रहे जहन्नम भी न रहे। उसके बाद इबादत करने वाले अगर इबादत करेंगे तो सिर्फ अल्लाह के लिए करेंगे, कि हमें तो अल्लाह चाहिए, अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में भी पैदा करनी है। और अल्लाह की मोहब्बत पैदा करने का तरीका क्या है? अल्लाह की मोहब्बत पैदा करने का तरीका जिक्र खूब करो, जिक्रुल्लाह खूब करो, जिक्रुल्लाह खूब करो। और जिन लोगों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत है उनका दिल में, उनके उनकी दिल में मोहब्बत पैदा करो, और उनकी दिल में मोहब्बत पैदा होगी उनके पास बैठने से। जब हम उनके पास बैठेंगे, उनकी नसीहतें सुनेंगे, तो खुद ब खुद हमें उनकी दिल में मोहब्बत पैदा होगी कि ये मेरे खैरखा हैं, हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें ये सिखाते हैं। अल्लाह से मोहब्बत करने वालों की दिल में मोहब्बत पैदा करो, और जिक्रुल्लाह अल्लाह का जिक्र खूब करो। इन दोनों कामों से दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी, और अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी तो अल्लाह के लिए काम करने का जज्बा पैदा होगा, और जब अल्लाह के लिए काम करेंगे तो उसके नतीजे में ये मोहब्बत और बढ़ेगी, और जब ये होगा तो अल्लाह की रिजा हासिल होगी, अल्लाह की रिजा हासिल होगी। इसीलिए बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि दिल में अल्लाह की मोहब्बत का पैदा हो जाना और गैरुल्लाह की मोहब्बत, ये सबसे बड़ी करामत। क्यों भाई? ये सबसे बड़ा कमाल, इसी के नतीजे में आमाल वजूद में आएंगे, और आमाल वजूद में आएंगे तो अल्लाह की रिजा हासिल होगी।
और डॉक्टर अब्दुल्ला आरिफी रहमतुल्लाह अलैह की बात पर मैं आज की बात को खत्म करता हूं। डॉक्टर अब्दुल्ला आरिफी रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत अच्छा मलफूज है, इसलिए कि अल्लाह की मोहब्बत दिल में जो आती है, अल्लाह की मोहब्बत के लिए जो रुकावट है दिल में, वो गैरुल्लाह के ताल्लुकात हैं। दिल मौलाना तलहा में लगा हुआ है, दिल मुफ्ती साहब में लगा, एक तो है ना अल्लाह के लिए लगा हुआ है, नहीं दुनियावी दोस्ती, मजा आता है मौलाना तलहा साहब के साथ, गुड कंपनी, हिज फन, मजा आता है, दोस्ती इसीलिए रखी जाती है। और एक तो अल्लाह के लिए मोहब्बत है कि नेक आदमी है माशाल्लाह, आलिम दीन है माशाल्लाह, इनके पास बैठते हैं तो आखिरत याद आती है। अल्लाह भाई जा रहा हूं, कहां जा रहे हैं? चचाजाद भाई के यहां। अच्छा क्यों? दोस्त है बहुत अच्छा मेरा, दूसरे बड़ा मजा आता है मेरे कजन के साथ मुझे, और दूसरा ये है कि इसलिए कि वो मेरे चचाजाद भाई है, मेरे कजन है, और अल्लाह ने कहा है कि अपने कजन के साथ अच्छा ताल्लुक रखना चाहिए, ये अल्लाह के लिए मोहब्बत है। लेकिन मैं दुनियावी अल्लाह के लिए जो हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखते हैं वो अल्लाह की मोहब्बत तक पहुंचाती है, अल्लाह की मोहब्बत को बढ़ाती है। लेकिन दुनिया के लिए मोहब्बत, दुनिया के लिए मोहब्बत, अहमद बेचारा गरीब आदमी है और उससे मैं मोहब्बत रखता हूं, क्यों मोहब्बत रखते हैं? इससे कि उसकी दुआ मिलेगी, उसकी दुआ मिलेगी तो अल्लाह मुझसे, देखो अल्लाह के लिए मोहब्बत। ये गरीब आदमी है उससे मुझे बहुत क्यों मोहब्बत है? इससे कि गरीब आदमी है, मेरी उससे मोहब्बत है, तो मोहब्बत है तो उसको कोई भी जरूरत होगी तो मेरे पास आएगा, मैं उसकी जरूरत पूरी करूंगा तो अल्लाह खुश होगा। अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए जो दूसरों से मोहब्बत है ये अल्लाह की मोहब्बत को बढ़ाती है, इसलिए कि अल्लाह की मोहब्बत की शाखें हैं ये। लेकिन जो गैरुल्लाह के लिए मोहब्बतें होती हैं, किसी से तो मोहब्बत इसलिए होती है कि उसके साथ गुनाह करने का प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, फिल्म देखते हैं, सिनेमा में जाते हैं, लूटमार करते हैं, चोरी कर, ये मोहब्बतें हैं। हराम खाने पीने की दोस्तियां हैं, शराब पीने की, फुना करने की, फुना करने की, और कभी कभी दुनियादारी, क्योंकि बहुत मालदार आदमी है इससे जरा ताल्लुक रखने दो ना, कभी कभी हैंड आउट मिलेंगे। ये जो दूसरे ताल्लुकात होते हैं, बीवी के साथ इसलिए मोहब्बत नहीं कि अल्लाह ने मुझे कहा है कि बीवी से मोहब्बत करो, बस उसकी खूबसूरती के ऊपर पागल है और अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के ऊपर लज्जत, ये सब अल्लाह के लिए नहीं है, ये रुकावटें बन जाती है। इसी वजह से जहां बीवी के लिए अल्लाह के लिए मोहब्बत ना हो तो बीवी हराम काम करने पर के लिए भी कहती है तो वो कर गुजरता है। दिल में जब ऐसी नापाक मोहब्बतें होती हैं अल्लाह के अलावा के लिए, तो अल्लाह की मोहब्बत नहीं उतर सकती, ये सबसे बड़ी रुकावट है, ये सबसे बड़ी रुकावट है। तो डॉक्टर अब्दुल आरिफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो जितने दुनियावी ताल्लुकात है ना, जितने भी दुनियावी ताल्लुकात है, जिस किसी चीज के साथ दुनियावी ताल्लुक है, तो इसको अल्लाह के ताल्लुक के साथ जोड़ दो। शुरू शुरू में जरा मुश्किल लगेगा, अल्लाह के ताल्लुक के साथ जोड़ दो। कैसे? समोसे खाने की ख्वाहिश है, चाहत है, नफ्स के लिए खाता है और दूसरी कोई नहीं, बहुत मजा आता है इसलिए खाता हूं, मिठाई बहुत मजा आता है इसलिए, चॉकलेट बहुत मजा आता है इसलिए खाता हूं, तो जब भी समोसा खाने का वक्त आए, चॉकलेट खाने का वक्त आए, तो उस ये जो दुनिया की मोहब्बत है ना, उसे अल्लाह की मोहब्बत से जोड़ दो। कैसे? आंखें बंद करके ऐसा सोचो कि मैं इसलिए खा रहा हूं कि ये मेरे अल्लाह ने मुझ तक पहुंचाई है, तो ये अल्लाह की तरफ से नियाज है मेरे लिए। आंख बंद करके ऐसा सोचो कि मैं इसलिए खा रहा हूं कि मुझे बहुत मरगूब है और मैं इसको खाऊंगा तो दिल से अल्लाह का शुक्र अदा कर सकूंगा। तो शुरू शुरू में जो है वो बनावटी होगा, लेकिन धीरे धीरे रफ्तार रफ्तार ये दिल में उतर जाएगी ये बातें। आज तो बहुत अच्छा गोश्त पका हुआ है, मेरा फेवरेट है, क्यों खा रहा हूं? इसलिए खा रहा हूं कि बदन में जाएगा, कुव्वत पैदा होगी, तो मैं कुछ दो रकात नफल जाहिद भी अदा कर सकूंगा अल्लाह के लिए, कुव्वत आएगी तो इबादत कर सकूंगा, दिल से शुक्र अदा कर सकूंगा। हर काम को अल्लाह से जोड़ो, हर काम को अल्लाह, अच्छे कपड़े पहन रहा हूं क्यों? इसलिए कि मेरे अल्लाह ने कहा है कि मैं जब बंदे को नेमतें देता हूं दुनिया में, तो मैं चाहता हूं कि वो नेमतें उसके बदन पर नजर आए, तो अल्लाह के लिए मैं पहन रहा हूं। हर चीज को अल्लाह की तरफ। अब कोई नाजायज काम करने का वक्त आएगा
तो उसको तो अल्लाह के साथ आप जोड़ नहीं सकते, खुद ब खुद ये छूटते चले जाएंगे। तो दुनिया का हर काम अल्लाह से जुड़ना है, तो जो जायज काम है उसे आप कोई ना कोई बात जहन में अल्लाह डालेगा, जब आप फैसला कर लेंगे तो उसे जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो ये काम अब अल्लाह के लिए हो रहा है, तो इससे अल्लाह का ताल्लुक बढ़ेगा। और जब नाजायज काम होगा, जब फिल्म देखना है तो अल्लाह के साथ कैसे जोड़ेंगे उसे, जब जुड़ ही नहीं सकेंगे, बल्कि ख्याल आएगा कि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये अल्लाह के साथ कैसे जुड़ सकता है, भाई छोड़ दो ये छोड़ दो। तो डॉक्टर अब्दुल यारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज भी अल्लाह के लिए है, मेरी कुर्बानी भी अल्लाह के लिए है, मेरा जीना भी अल्लाह के लिए, एक एक कदम जो भी मेरे ताल्लुकात दुनिया में अल्लाह के लिए, और मेरी मौत भी अल्लाह के लिए, जीना मरना सब अल्लाह के लिए। तो इससे भी जो है ये जो रुकावट है कि दूसरे ताल्लुकात की वजह से अल्लाह का ताल्लुक दिल में पैदा नहीं हो पाता, इसमें आपको कामयाबी मिल जाएगी। दूसरे ताल्लुकात जो है वो खत्म नहीं होंगे, दूसरे ताल्लुकात वो अल्लाह के ताल्लुक में बदल जाएंगे। और फिर सोचो कि अल्लाह का ताल्लुक कैसे होगा, जब अल्लाह का ताल्लुक बढ़ गया तो अब अच्छे अच्छे आमाल वजूद में आएंगे, फराइज भी ठीक जा रहे हैं, वाजिबात भी ठीक जा रहे हैं, हराम से बचना आसान हो गया, मकरूहात तहरीमिया से बचना आसान हो गया, और मोहब्बत जब आला दर्जे की होती है तो नहीं नहीं ऐसा भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, सुन्नत भी हो जाए, मुस्तहब भी हो जाए, नफल भी हो जाए, मेरा अल्लाह क्या चाहता है, मेरा अल्लाह क्या चाहता है। और जब बंदा आला दर्जे के आमाले सालिहा पर आ जाता है तो फिर अल्लाह जल्ला जलालहु अम्मा नवालहु की मोहब्बत उसे हासिल हो जाती है, रिजा हासिल हो जाती है। तो अल्लाह ताला शानहु मुझे आपको इसी मेहनत पर जिंदा रखे, और इस मेहनत में अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमावे, और अल्लाह ताला शानहु अपनी कामिल रिजा के साथ हमें दुनिया से उठाए। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والأمل الذي يبلغنا حبك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.